بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ابا عبد الله तो कोई कहता है नुसैर नामी कोई बंदा था जिसने इस तबके की शुरुआत की, कोई कहता है अब्दुल्ला बिन सबा था, और इन दोनों का ही तारीख में होना साबित नहीं है। वो मौला अली को उसने खुदा का मौला ने मार दिया, फिर जिंदा किया, फिर उसने कहा फिर मारा, बकवास। ये किसी भी मकतब अहले बैत में किसी भी जरिए से ही बात साबित नहीं है। वैसे अगर कोई कहानी साबित करवानी हो तो झूठी किताबों से जैक नकवी हवाले लेकर आ जाता है, मगर जब बात इसके खिलाफ हो तो मोतबर कुतुब भी से नज़र नहीं आती। ये किताबें शेख तूसी की रिजाल कशी। शेख कशी फरमाते हैं एक फ़िरका मोहम्मद बिन नुसैर की नबूवत का कायल है, उसने दावा किया कि वह नबी है और इमाम अली बिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने उसे भेजा है। ये उस ज़माने के नुसैरियों का अकीदा था। ये शख्स हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुतालिक गुलू का कायल था और उनको रब समझता था और ये मर्दों के निकाह को जायज़ समझता था। अब आते हैं अब्दुल्ला बिन सबा की तरफ। इसी किताब में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन सबा ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुतालिक रुबूबियत का दावा किया था। इमाम ने उससे फरमाया तोबा कर, मगर उसने इनकार किया। जब उसने तोबा करने से इनकार किया तो इमाम ने उसे आग से जला दिया। अब जो लोग हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को रब कहते हैं वो सोच लें दुश्मन है या मोहब्ब।